हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने गार्डन में हूँ और आज मैं जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी की रिपोर्टिंग करने। तो उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखिए, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रॉबेरी फलते हैं अगर हम अपने गार्डन में लगाते भी हैं। और आप सभी जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी का फल कितना महंगा होता है। हमारे यहाँ तो बहुत ही महंगा होता है। कम से कम 4-5 फल मैं एक बार खरीदी थी तो मुझे 100 का मिला था। और जब मैं उसे खाई थी तो बहुत खट्टा लगा था। और उस समय मैं पौधे लेकर आई थी तो मुझे लगा कि शायद मैं स्ट्रॉबेरी नहीं लगाऊं, लेकिन मैं पौधे ले आई थी तो लगा ली। और उसके बाद जब मैं अपने घर की स्ट्रॉबेरी खाई तो मुझे उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग लगा। तो इसीलिए फिर मैं इसे बढ़ाने लगी। तो ये मेरा 3रा साल होगा स्ट्रॉबेरी उगाते हुए। तो मैं जो एक्सपीरियंस की हूँ इसके साथ, तो वही मैं आप लोग से शेयर भी करती हूँ और अभी मैं आप लोग को रिपोर्ट भी करके दिखाऊंगी। तो देखिए, हमारे गार्डन में इस तरह से पिछले साल स्ट्रॉबेरी फलते रहे हैं और मुझे हर दूसरे दिन इतना सारा स्ट्रॉबेरी मिलता रहा। तो मैं ये सिर्फ आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरह से फलते हैं। तो चलिए, अब मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि वही हमारा पौधा है। तो उसमें से देखिए, कुछ पौधे हमारे बच गए हैं और इस गर्मी में कुछ पौधे हमारे ख़राब हो गए हैं। तो ख़राब इसलिए भी हुए, जल्दी मेरे पौधे मरते नहीं हैं, लेकिन मैं इस बार थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी तो इसलिए इसका केयर नहीं कर पाई। तो इसीलिए अभी मेरे पास सिर्फ 3 गमलों में बचे हुए हैं और ये 3 पौधे मैंने रनर से बनाया था। तो रनर का वीडियो मैं एक बार डाली हुई हूँ, तो उसे आप लोग देख सकते हैं कि रनर से कैसे पौधे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मेरे 3 पौधे रनर से बन गए और मैं और भी बनाए थे, लेकिन वो भी मेरे ख़राब हो गए क्योंकि इस बार बारिश खूब हुई है। और अभी देखिए, इसमें फूल आ रही है और ये मैंने कल ही किया है, इसकी रिपोर्टिंग कल की हूँ, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी तो आज मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 3 गमलों में है और ये हमारा मदर प्लांट है और इसे लाए हुए 2 साल हो जाएगा इस जनवरी में। तो इस तरह से कहें तो ये हमारा 3रा सीज़न होगा जब ये फल देने के लिए तैयार होंगे। तो आज मैं इसे भी अलग अलग करके आपको दिखाऊंगी कि पौधे कैसे बनाते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को मिट्टी दिखा दूं कि क्योंकि इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए ताकि इसमें पानी बिल्कुल ही ना रुके। और देखिए, मैं मिट्टी ली हूँ तो मैं एक अंदाजे से इसमें राइस शक्स मिलाई हूँ। आप लोग इसमें सैंड मिला सकते हैं इसके जगह पे। और दूसरी चीज़ मैंने एक अंदाजे से लिया है क्योंकि मेरी मिट्टी थोड़ी हल्की है। और दूसरी चीज़ मैं ली हूँ यहाँ पर, तो ये है नीम खली पाउडर है, तो इसे भी आप एक मुट्ठी के करीब डाल दें क्योंकि मैं फंगीसाइड के लिए कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं नीम खली ही डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये है बोन मील पाउडर। तो देखिए, इस पौधे को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसीलिए इसे आप ज़रूर डालें। तो करीब 3 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मैंने 3 गमलों के लिए मिट्टी नापी हुई यहाँ पर, तो 3 से 4 चम्मच आप डाल दें। और अगर इसे डाल रहे हैं तो आप 1 महीना या 2 महीना आराम से ये चल जाएंगे क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं। और देखिए, इसमें मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, तो ये है हमारा सीवीड। तो आप ज़रूर इसे मिलाएं अपने मिट्टी में। तो मेरी मिट्टी ज़्यादा है इसीलिए इसमें 2 चम्मच मैं सीवीड डालूंगी। और देखिए, सीवीड क्या करता है, ये ऑर्गेनिक ही होता है, मुझे तो दुकान वाले ने यही कह कर दिया था। तो उसे आप डाल रहे हैं तो इससे आपके फल अच्छे आएंगे और बड़े बड़े आएंगे, तो आप ये ज़रूर डालिए। और बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच डाला है और उतना ही डालिए। और तीसरी यहाँ पर देखिए, ये है हल्दी। तो हल्दी पाउडर भी मैं फंगीसाइड के लिए ही डालती हूँ, तो इससे हमारा मिट्टी अच्छा होगा और इसमें फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। और एक और चीज़ है, ये है राख। तो मैं चूँकि केमिकल नहीं डालती हूँ और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती हूँ, तो ये राख है, तो इसे भी मैं 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे भी 2 चम्मच डाला है क्योंकि मैंने अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें डाली, इसीलिए थोड़ा कम कम ही डाल रही हूँ। और अब बारी है वर्मी कम्पोस्ट की, तो यहाँ पर देखिए, मैं इसमें वर्मी कम्पोस्ट डाल रही हूँ। आप इसके जगह पर गोबर की अच्छी खाद डाल सकते हैं तो आप जरूर डालें। और देखिए, ये पौधा बहुत नाजुक भी होता है, आसानी से लगा लेंगे लेकिन कभी कभी हमारा मर भी जाता है। तो इससे एक चीज़ ज़रूर करें कि इसे आप मिट्टी के गमलों में ही लगाएं अगर पहली बार लगा रहे हैं तो,
नहीं तो ये नहीं चल पाता है और इसमें फंगस का अटैक होता है, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। अभी मैं रिपोर्टिंग बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने इतनी सारी मिट्टी में सिर्फ 1 kg वर्मी कंपोस्ट मिलाई हूँ, क्योंकि इसमें मैंने और भी चीज़ें डाली है, जैसे सीवीड डाली है तो वो भी खाद ही है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा कम वर्मी कंपोस्ट डाला है। और अगर आप लोग डाल रहे हैं, सीवीड वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारी मिट्टी पूरी तरह बनकर तैयार हो गई है और अब हमें लेना है गमला। तो देखिए, मैं मिट्टी के गमले ले चुकी हूँ और इसी में पिछले बार भी लगाई थी, और इसमें नीचे ड्रेनेज होल बना हुआ है और उसके ऊपर मैं कपड़ा रखती हूँ। तो कपड़ा क्यों रखती हूँ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, मिट्टी नीचे नहीं बहती है जब हम पानी डालते हैं, तो इसे आप ज़रूर डालें। और उसके बाद अब इसमें गमला भर देती हूँ। तो इस तरह से बनाएंगे तो आपके फल बहुत अच्छे आएंगे और इसके लिए बहुत बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इतना बड़ा गमला ले सकते हैं और इससे एक छोटा गमला भी ले सकते हैं अगर आप एक पौधे लगा रहे हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से मिट्टी डाल लिया है और अब हमें निकालना है पौधा। तो देखिए, इसमें पौधा लगा हुआ है हमारा, तो इसकी मिट्टी मैं पूरी तरह से निकाल लेती हूँ। मैं ऐसे तो नहीं निकलेगा, मैं तो कुछ भी चीज़ लेकर निकालने लगती हूँ। और देखिए, इसमें इस तरह से पिल्लू भी हो रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको मुझे भी नहीं पता। तो चलिए, मैं पहले निकाल लेती हूँ इस पौधे को, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पौधे निकाल लिया है और ये मैं पिछले बार रिपोर्ट की थी, तो मेरी घर की मिट्टी है, तो मैं पूरी मिट्टी इसकी नहीं निकालूंगी। तो देखिए, थोड़ा कम ही मिट्टी निकालूंगी और थोड़ी सी जड़ में लगी रहने दूंगी। तो इस तरह हल्के हल्के दबा कर निकालें और आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें मेरा 1 साल से लगा हुआ पौधा, तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है, इसीलिए आप लोग इसे छोटे गमलों में ही लगाएं तो ये आसानी से चल जाते हैं। और ये छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में भी मैंने देखा है, छोटे छोटे डब्बों में चल जाते हैं, लेकिन बड़े गमले में मैं नहीं लगाती हूँ प्लास्टिक की, मैं ज़्यादातर इसे मिट्टी के गमलों में ही लगाई हूँ। और देखिए, यहाँ पर से जब भी आप मिट्टी भरें तो ऊपर तक ना भरें, जहाँ तक इसमें मिट्टी दिखाई दे रही वहीं तक मिट्टी डालें, नहीं तो ये सड़ जाएगी, तो उससे हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने निकाल लिया और देखिए, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मिट्टी भर दी हूँ, थोड़ा सा नीचे कर दूँगी, हटा दूँगी इसे, उसके बाद इसे लगा देना है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है इसमें और हमारे पौधे अच्छे से चल जाएंगे। और मैं आगे भी इसके बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी, तो आप लोग ज़रूर लाइए अपने गार्डन में। तो देखिए, इस तरह से इसे बीच में रख देना है और बस इसमें मिट्टी डालना है, लेकिन ऊपर तक बिल्कुल ना भरे तो ये अच्छा रहेगा। तो देखिए, ये लग गया है और देखिए, मैंने यहाँ तक नहीं भरा है, देखिए ऊपर तक खाली है। तो इसी तरह से इसे भरे, ऊपर भर देंगे तो वहाँ पर जड़ें इसकी सड़ जाएंगे, तो उस तरह से नहीं करें। और देखिए, ये है, तो ये मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी और इसे मैं अलग अलग करके ही दिखाऊंगी। और आप देखिएगा, ये नर्सरी वाली मिट्टी में ही लगी हुई थी, तो मैंने ये गमले तैयार कर लिए हैं और अब इसे निकालने की बारी। तो देखिए, मैंने पौधे को निकाल लिया है। तो ये 3 तरह से पौधे बनते हैं इसके, इसके बीज भी आप लगा सकते हैं, रनर से भी बनते हैं और इस तरह से डिवाइड करके ही बनते हैं। और देखिए, मैं जब लाई थी तो इसे नर्सरी वाली मिट्टी में ही लगा दी थी और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब होती है नर्सरी की मिट्टी, कि उसके अंदर एक भी जड़े नहीं गई है, बाहर बाहर से जो अच्छी मिट्टी थी उसी पे गई है। और 2 साल से हमारा पौधा इसी तरह से समझिए पड़ा हुआ है, देखिए कितनी ख़राब मिट्टी है। और अभी मैं हटा के दिखाती हूँ इसकी मिट्टी, एक भी जड़े इसके अंदर नहीं है, देख लीजिए। तो इसीलिए हमारा पौधा जल्दी सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन हो सकता है कि मैं इसमें जो नई मिट्टी डाली थी इसके वजह से मेरा पौधा 2 सीजन तो आराम से पार कर गया, लेकिन देखिए अभी ये ख़राब होने लगा था। तो मैं अभी से रिपोर्ट कर रही हूँ और अभी रिपोर्ट करके मैं देखती हूँ कि ये मेरा चलता है या नहीं चलता है। तो अभी तो मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए बता रही हूँ कि तो इसे अलग करके भी लगाया जा सकता है, इसीलिए मैं इसे दिखा रही हूँ। तो देखिए, मैंने सारे पौधे को इस तरह से अलग कर लिया है और अब इसे इसी बड़े गमलों में जितना आ सकेगा मैं उतना लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी थोड़ी
मिट्टी हटाकर मैं इसे लगा देती हूँ। और देखिए वहाँ नर्सरी वालों ने क्या कुछ नहीं डाला है इसमें, देखिए ये भी निकल गया है कपड़ा। तो इस तरह से बीच में रख देना है और मिट्टी एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, बस जड़ जहाँ तक है वहीं तक डालें तो अच्छे से ये पौधा चल जाएगा। और इस तरह लगा लें, उसके बाद इसमें पानी डालकर इसे ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर बिल्कुल ही धूप नहीं आती है। और अभी भी चूँकि धूप तेज़ पड़ रही है तो इसे ऐसी जगह पर ही रखना चाहिए जहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो, या फिर धूप बिल्कुल दिन भर की नहीं जा रही हो, सिर्फ सुबह शाम की हल्की फुल्की धूप पड़ जाए। और जैसे ही ठंडा इसमें बढ़ते जाएगा तो इसमें फल आते रहेंगे, क्योंकि ये ठंड का ही फल है। और गर्मियों में भी एक दो फल दे देते हैं, मेरे पौधे में तो आते रहते हैं हमेशा एक दो फल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गर्मी में बहुत भर के फलेंगे। तो जैसे ही अभी नवंबर का मौसम आएगा और अब देखिएगा आप इसमें भर भर के फल आने लगेंगे। तो बस इतनी छोटी सी जानकारी थी आज के लिए, इतना ही। और देखिए हमारा यहाँ पे दो पौधा मैंने और बना लिया है उसी से, तो ये जब बड़े होंगे तो मैं रिपोर्ट कर लूँगी। इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये मार्च अप्रैल तक भी फल देते रहते हैं, तो अभी नवंबर से जैसे इसमें फल स्टार्ट हो जाएगा आना तो आप लोग ज़रूर नर्सरी से जाकर लाइए। इसके लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तब